हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो फॉर एचसीएस मेंस एडवांस कोर्स। ठीक है, देखिए पिछली दो क्लासेस में हमने स्टैटिक्स के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, बार डायग्राम, बार चार्ट या फिर और पाई चार्ट और पाई डायग्राम। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने बार डायग्राम या बार चार्ट के बारे में स्टडी किया था। और देखिये, जो भी हमने बार चार्ट या बार डायग्राम स्टडी किया था वो एक सिंपल बार डायग्राम था। क्या था? सिंपल बार डायग्राम था, जिसमें आपको क्या है कि एक ही आइटम को क्या करना पड़ रहा है, शो करना पड़ रहा है इन द डायग्राम ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। क्या कर रहे हैं? एक ही आइटम आप शो कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट्स का डेटा लिया था कि भी एक पर्टिकुलर कॉलेज में या किसी भी स्कूल में कोई स्टूडेंट्स हैं, तो उसका डेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार डायग्राम में क्या करना है, शो करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे बार डायग्राम की, जिसमें क्या है कि एक ही साथ क्या है, कई सारे डेटास को आपको डील करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक ही साथ कई सारे डेटास को डील करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उसी के अंदर हम ले लेते हैं, हमने ले लिया था कि सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर दिया था। क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया था। अब हम स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसी में क्या, स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिए किसी पर्टिकुलर ईयर में, जैसे 2019 में हमने मान लीजिए 5000 स्टूडेंट्स लिए। क्लियर? क्या लिए? 5000 स्टूडेंट्स लिए। एक पर्टिकुलर ईयर का हम देख लेते हैं, हमने क्या है मान लीजिए एक्स बार 5000 हमने स्टूडेंट्स लिए। अब इन स्टूडेंट्स को भी क्या है, आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको पता है कि भी स्कूल्स कॉलेजेस में मोस्टली क्या है, तीन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, तीन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं। वो स्ट्रीम्स क्या होती हैं? वो स्ट्रीम होती है आर्ट्स की, वो स्ट्रीम होती है, वहां पर हमने एक साइंस का लिया था, जो भी लिया था, व्हाटएवर इट इज, फिर वो स्ट्रीम होती है साइंस की, फिर वो स्ट्रीम क्या हो जाती है, कॉमर्स में आ जाती है। ठीक है, तो उसी एक ही ईयर के अंदर क्या है, आपने उसको क्या किया, तीन में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? तीन में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोक्योर कर रही है। क्या कर रही है? गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है एमएसपी पे कोई भी चीजें, एमएसपी पे प्रोक्योर कर रही है, किसी भी कारण से क्या कर रही है, गवर्नमेंट कुछ चीजें खरीद रही है। तो अगर खाली राइस खरीद रही है तो आपने क्या किया, वो सिंपल डायग्राम बना दिया और आपका डायग्राम बन गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर उसके साथ में वो क्या कर रही है, वीट खरीद रही है, वीट के साथ वो यूरिया खरीद रही है और यूरिया के साथ कुछ और आइटम्स भी क्या कर रही है, वो खरीद रही है, शो वो प्रोक्योर कर रही है, तो उसको हम कैसे बार डायग्राम या बार चार्ट में कैसे शो करेंगे, उस बार डायग्राम को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं। उसे हम कहते हैं, देखिए उसे हम कहते हैं स्टैक्ड बार चार्ट और डायग्राम। ठीक है, और उसको हम क्या लेते हैं, क्यूमुलेटिव बार चार्ट। क्लियर? उसको क्या कहते हैं हम, स्टैक्ड बार डायग्राम या बार चार्ट, या फिर उसको हम कह देंगे क्यूमुलेटिव बार डायग्राम या बार चार्ट कह लेंगे। ठीक है, अब उसमें को करना कैसे है, व्हाट हैव टू, हाउ टू डू इट। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, जैसे आपने वैसे ही डायग्राम बनाया था, ठीक है, वैसे ही डायग्राम बनाया था, वन ईयर, एक ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, जो चार पांच साल का डायग्राम था उसमें हमने जो भी लिया था उसको अगर हमने मान लो डिवाइड कर दिया, जैसे 20 उसको डिवाइड कर दिया और ये डिवीजन में आ गया, जैसे टोटल 5000 स्टूडेंट्स, 2019 में क्या है 5000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 2000 किस में आ रहे हैं, साइंस में, 2000 किस में आ रहे हैं, आर्ट्स में, और 1000 जो है वो किस में आ रहे हैं, कॉमर्स में। ठीक है, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, हाउ टू शो इट, उसको शो कैसे करेंगे, तो उसको शो करने के क्या है, दो तरीके हमारे पास में। क्लियर है? दो तरीके हैं, आई एम जस्ट यूजिंग वन बार ओनली, एक ईयर का सिंबॉलिक यूज कर रहे हैं, जिससे आपको बाकी ईयर्स में भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, उसे ड्रॉ करना है, हाउ टू ड्रॉ इट। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, अगर हम क्यूमुलेटिव की बात करें, पहले स्टैक की बात कर लेते हैं, तो स्टैक में आपने लिखा यहां पर 2019। ठीक है, 2019 की बात कर रहे हैं, तो 2019 क्या कर दिया आपने, यहां लिख दिया, और यहां पर क्या है कि इसके ऊपर आपने कितने हैं, ये तो सिंगल के लिए था, एक ही बार बन रही, इस कंडीशन में क्या है आप कितनी बार बनाएंगे, एक बार बनाएंगे। जब हम स्टैक की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टैक की बात कर रहे हैं, तो हमने एक बार बनाई, तो एक बार बना दी किसके लिए, दिस इज फॉर, मान लीजिए 5000 यहां आ रहा है, तो आपने एक ही बार क्या कर दिया, बना दी इसमें। क्लियर? एक बार बना दी, जब इकट्ठा लिया था
कंसोलिडेटेड कि कितने स्टूडेंट्स 2019 में आ रहे हैं, क्या 2019 में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें, क्या कर दें, 2000 2000 और 1000, तो उस कंडीशन में किस तरह से इसे शो किया जाएगा, हाउ दिस इज विल बी शोड, उसको हम शो करते हैं। ठीक है, इसको हम यहां से हटा देते हैं, रिमूव इट, यहां पर आ गया 2000, यहां पर आ गया आपके पास 4000 और यहां पर आ गया आपके पास 5000। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट शो कर दिया, और ये एक्स एक्सिस पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और एक्स एक्सिस पे हम ईयर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ईयर ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, साइंस के कितने स्टूडेंट्स हैं, 2000, तो एक जो बार आप बनाएंगे वो यहां तक आ जाएगी, क्लियर, एक बार आपके पास में ये आ गई, क्लियर है। यानी बार को आपने क्या कर दिया, एक तो कंसोलिडेटेड बार थी, लेकिन अब उसी बार में आपने क्या कर दिया, तीन डिफरेंशिएशन कर दिए, तीन, उसी एक सिंगल बार को आपने तीन में डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, तीन में डिवाइड कर दिया, एक बार फिर यहां से यहां तक बना दी, और एक बार आपने यहां से यहां तक बना दी, क्लियर, दिस यू हैव डन इट। तो ये क्या हो गया, क्यूमुलेटिव सिस्टम हो गया, क्या हो गया, क्यूमुलेटिव सिस्टम हो गया। सॉरी मैं स्केल से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ इट बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी है आपको, जब भी आप ड्रॉ करेंगे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्लियर है। तो यहां पर क्या है कि आपने ये मेंशन कर दिया साइंस, ये क्या हो गया आर्ट्स, और ये क्या हो गया कॉमर्स, क्लियर है। ये तो हम एक ही है, क्या है, एक ही है, अगर इसमें चार पांच हो तो इस तरह से लिखकर हम मेंशन नहीं कर सकते, क्या अगर लिखकर मेंशन नहीं कर सकते, वो डिफरेंट, वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, हॉचपॉच हो जाएगा डायग्राम। तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंडिकेटर मार्क्स कर सकते हैं, जैसे इसको आपने क्या कर दिया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इसको आपने क्या कर दिया, पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, क्लियर, पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, यहां पर आपने कुछ और बना दिया, क्लियर, ठीक है। अगर आप कलर पेंस यूज कर रहे हैं, मतलब रेड ब्लू जो कभी कभी यूज करते हैं डायग्राम्स बनाने के लिए, ज्योग्राफी के मैप्स बनाने के लिए, अगर आपके पास उस तरह के पेंस हैं, तो आप क्या अलग अलग कलर से भी क्या कर सकते हैं, इसे शो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर से शो कर सकते हैं इसे। तो ये आपके पास में क्या है, अलग अलग बार्स बन गए, किसके बन गए, एक ही बार को आपने तीन में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, और ये क्यूमुलेटिव बार डायग्राम आपके पास में बन गया, क्या बन गया, क्यूमुलेटिव बार चार्ट या बार डायग्राम आपके पास में बन गया। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक क्यूमुलेटिव बार में जिस भी सिंबोलिज्म से या सिंबल से आपने साइंस को शो किया है, दूसरे में उसी सिंबल से क्या करना पड़ेगा, आपको साइंस शो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि दूसरे सिंबल में आपने साइंस डॉट से ले लिया, नहीं, जो भी साइंस का इंडिकेटर है उसी को आप को क्या है, दूसरे ईयर के बार में लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर आप ले रहे हैं 2020 का, ठीक है, 2020 का ले रहे हैं, मान लीजिए 2020 में 1000 स्टूडेंट्स क्या है साइंस में है, 1500 क्या है आर्ट्स में है, और 500 क्या है किसमें, कॉमर्स में है, ठीक है। तो जो आप ड्रॉ करेंगे 1000 यहां तक आएगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये साइंस का है, इसको आपने साइंस का शो किया है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी आपने सिंबल साइंस के लिए यूज किया है, इंडिकेटर साइंस के लिए यूज किया है, वही आप क्या करेंगे, यहां यूज करेंगे, क्लियर है, उसी को क्या है आपको वहां पर यूज करना है, यू हैव टू यूज इट देयर इटसेल्फ, ठीक है। और इसी तरीके से क्या है, अगर मान लीजिए आपने इसके लिए आर्ट्स के लिए यूज किया, तो यहां आर्ट्स के लिए क्या था, डॉट सिस्टम था, तो आर्ट्स के लिए क्या आप डॉट यूज करेंगे, और इसी तरीके से जो कॉमर्स के लिए है वो आप क्या यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इंडिकेटर यानी जो सिंबोलिज्म है वो सेम रहना चाहिए, उसमें किसी तरीके का क्या है कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, पिछली बार मैंने आपको बता दिया था, बार की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, सेम रहेगी, कोई भी बार आप बना रहे हैं तो उसकी विड्थ जो होगी वो क्या करेगी, सेम रहेगी। हाइट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू गिवन टू यू, जो भी वैल्यू आपको
एग्जामिनेशन क्वेश्चन में दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट क्या करेगी, डिपेंड करेगी, क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अब इसी में क्या हो सकता था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, राइस प्रोक्योर कर रही है, क्या कर रही है गवर्नमेंट, किसी भी ईयर में क्या कर रही है, जैसे 2019 में गवर्नमेंट ने क्या राइस में प्रोक्योर की, पीडीएस सिस्टम में जो गवर्नमेंट क्या करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है राइस प्रोक्योर की, वीट की, शुगर केन की, ठीक है। तो उसको भी क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो उसी तरीके से क्या आपके बार बन जाएगी और आप बार को शो कर देंगे क्यूमुलेटिव बार सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर क्या है कि किसी डिफरेंट डिफरेंट तीन सिटीज ले ली आपने, जैसे दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, क्लियर है। तो इनकी पॉपुलेशन अलग अलग सेंसस के अकॉर्डिंग आपने बना दी, क्या बना दी, अलग अलग सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बना दी और तीनों को क्या किया आपने, शो कर दिया कि भी 1991 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2001 में इतनी थी, 2011 में इतनी थी, 2021 का सेंसस अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है आप इसके बार को क्या कर सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं, शो द बार इन क्यूमुलेटिव बार सिस्टम। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स का डेटा ही हो, जरूरी नहीं है इसका डेटा हो, डेटा कुछ भी हो सकता है, एनी डेटा कैन बी देयर। उस डेटा को आप किस में शो कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव बार सिस्टम के अंदर शो कर सकते हैं, जो इस तरीके से क्या है आपको शो किया जा रहा है। अब यहां पर क्या है, जैसे राइस वीट शुगर केन है, तो यहां पर एज पर डेटा यहां पर शुगर केन आ सकता था, क्लियर, यहां शुगर केन आ सकता था, इसकी जगह क्या आ सकता था राइस, और इसकी जगह क्या आ सकता था वीट, क्लियर है, ठीक है। बस एक ध्यान रखना है आपको कि हर बार के जो पर्टिकुलर सेक्शन को आपने लिया है जिस सिंबॉलिज्म से या जिस इंडिकेटर से, वही क्या होगा दूसरे बार में आएगा, दूसरे ईयर की जो क्यूमुलेटिव बार सिस्टम होगा उसके अंदर आएगा, ये ध्यान रखना। ये अगर आपने ये चेंज कर दिया तो आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आपके हो सकता है कैलकुलेशंस भी क्या हो, गलत हो जाए। तो बी केयरफुल, ये आप हमेशा क्या है ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये तो क्यूमुलेटिव सिस्टम हो गया। हम दूसरी बात करते हैं, हमने स्टैक्ड सिस्टम की बात करी, हम स्टैक्ड सिस्टम को देख लेते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, इसको भी क्या है स्टैक्ड सिस्टम ही कहते हैं, ठीक है, इसको भी क्या है स्टैक्ड सिस्टम ही कहते हैं, लेकिन वो क्या है एक दूसरे तरीके से क्या है आपको शो कर दिया जाता है। तो उसमें भी उस तरीके से भी क्या है आप उसको शो कर सकते हैं, यू कैन शो इट, ठीक है। तो उसमें एक बार की जगह क्या कर दिया आपने, तीन डिफरेंट डिफरेंट बार्स बना दी, क्या बना दी, तीन डिफरेंट डिफरेंट बार्स बना दी। जैसे एक बार बना दी आपने, ये बना दी, फिर इसी के साथ में आपने क्या कर दी एक दूसरी बार बना दी, फिर उसके साथ में आपने क्या कर दी दूसरी बार बना दी, ठीक है। 2000, 2000, 1000, तो ये क्या था साइंस, ये क्या था आर्ट्स, और ये क्या था कॉमर्स, ठीक है। हमने 2000 लिए थे, 2000, 2000 और 1000, क्लियर है। तो उसी तरीके से क्या है सिंबॉलिज्म से आपने ये कर दिया, इसको मान लीजिए कि इस तरह से कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको आपने डॉट से कर दिया, क्लियर है। तो ये तरीके से आपके पास में क्या आ गया, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो आप शेडिंग भी दूसरा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शेडिंग भी दूसरा कर सकते हैं, इसको आपने इस तरह से किया, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम मान लीजिए हमने बनाया, इसको आपने क्या किया यू बना दिया, और इसको जब आपने बनाया तो क्या कर दिया, ठीक है, मींस तीनों को क्या कर दिया आपने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। ये स्टैक्ड सिस्टम हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया स्टैक्ड सिस्टम हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये आ गया। कभी कभी क्या आपको डायग्राम इस तरह से भी मिल जाएगा,
ठीक है, फर्क नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं है, डरिएगा मत, बस ये है कि एक्सेस चेंज कर दिया है, क्या कर दिया, एक्सेस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अगर वहां पर मान लीजिए मेंशन कर दिया जाए, क्या मेंशन कर दिया जाए कि भी एक्स एक्सेस पे क्या रखेंगे आप, वट एवर इट इज, कि भी एक्स एक्सेस पे आप पर्टिकुलर रखेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सेस पे कोई कह दिया आपको क्या रखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को क्या शो करेंगे आप, यहां पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है। ईयर आपको कहां शो करना है, वाई एक्सिस पर, तो ईयर आपने यहां शो कर दिया, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं, देयर इज नो डिफरेंस अबाउट इट। डरने की जरूरत नहीं है कि इस तरह से आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, या कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि बार इस तरह से आ गई, हमें बनाया तो उस तरह से था, फर्क सिर्फ इतना है कि भी मान लो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाए कि वाई एक्सिस पे क्या करेंगे आप, ईयर शो करेंगे, ठीक है, और नंबर जो क्वांटिटी है वो किस पे शो करेंगे, एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। तो उस तरीके से क्या है, थोड़ा सा ये बार डायग्राम या बार चार्ट आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंशिएट होके चेंज हो जाएगा, तो बार चार्ट विल गेट चेंज्ड, ठीक है। तो उसका फिगर चेंज हो जाएगी, इन्वर्टेड, वो इन्वर्ट हो जाएगा, या हम कह ले कि उस तरह से हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर बता देता हूं, जब भी आप बार डायग्राम या बार चार्ट बना रहे हैं, बार की जो विड्थ है वो सेम रखनी है आपको, नो विड्थ में चेंज नहीं करेंगे, बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप क्यूमुलेटिव सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव बार बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जिस आइटम को एक बार में आप जिस इंडिकेटर या जिस सिंबोलिज्म से शो कर रहे हैं, उसी सिंबोलिज्म से क्या है आपको दूसरे के अंदर क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसकी, और बस इसी के बेसिस पर क्या है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या हुआ पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे विद इन वन और टू डेज, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, इनके बेस पर आपको क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तो यहां पर क्या है कि आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है किसके, स्टैटिस्टिक्स के, वो कवर हो जाते हैं, और मोस्टली क्या इन्हीं से भी, इन्हीं से क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे के और टॉपिक्स भी हम करेंगे जिसके अंदर और भी टॉपिक्स हैं, तो ये चीज आपके साथ में क्या है क्लैरिफाई हो जाती है, दिस इज रिलेटेड टू बार डायग्राम और बार चार्ट, ध्यान रखिएगा, क्लियर, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क अबाउट इट, कोई क्लैरिफिकेशन आपको है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डाउट है, तो वो क्या कर सकते हैं, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, यू कैन क्लैरिफाई।